साथियों, मैं कुंदा तोड़कर जिला स्वयं संयोजिका भोजन क्रांति मोर्चा डिस्ट्रिक्ट यवतमाल महाराष्ट्र तथा सीसी मेंबर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली। साथियों, कोविड-19 पूरे विश्व में फैल चुका है, इसकी चेन तोड़ने के लिए भारत में भी लॉकडाउन जाहिर किया है। केवल 4 घंटे का अवधि दिया, इस 4 घंटे में क्या तैयारी कर सकते हैं हम मध्यम वर्गीय लोग। हमारे घर में सभी सुख सुविधा में जी रहे हैं, हमारे पेमेंट शुरू है, घर में अनाज है, सब्जी मिल रही है, मगर इस लॉकडाउन का असर आम आदमी पे, मजदूर लोगों पे बहुत बुरी तरह से असर पड़ा है। सभी काम धंधा ठप है, इनका पेमेंट बंद है, ये जिएंगे कैसे, ये खाएंगे क्या। इस भयंकर परिस्थिति में राष्ट्रीय संयोजक भोजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब, इन्होंने आह्वान किया कि ऐसे परिस्थिति में, ऐसे भयंकर परिस्थिति में इन पीड़ित लोगों की मदद की जाए। ये आह्वान हमने स्वीकार किया और यवतमाल की जो भोजन क्रांति मोर्चा की टीम है, हमने प्लानिंग बनाया, ये बात कुछ लोगों के पास रखी। बहुत सारे लोगों ने हमें सहयोग दिया, हमने जीवनावश्यक जो चीजें होती है उस चीज की 10 चीज की हमने किट बनाई, जैसे गेहूं, दाल, चावल, शुगर, बिस्किट, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, शैम्पू, खाने का तेल, मिर्च, हल्दी, इन सभी ऐसे 10 चीजों की किट बनाई है। और अभी तक 300 फैमिली तक ये किट हमने पहुंचा दी है, इनको इस तरह से मदद की है। इस काम में, इस उपक्रम में भोजन क्रांति मोर्चा के, भारत मुक्ति मोर्चा के संदीप मून, किसान मोर्चा के गजानन परड़ के, विद्यार्थी मोर्चा के बुधराज दुपारे, कविता नागदिवे, वीना नागदिवे, आदिवासी एकता परिषद के उज्ज्वला सीडा, इन सभी ने बहुत मुझे सहकार्य किया और एक अच्छी तरह से टीम वर्क किया। सभी स्लम एरिया में जाते हैं, ये लोग सर्वे करते हैं, जरूरतमंद लोगों की लिस्ट बनाते हैं और दूसरे दिन उनको ये सब अनाज के किट पहुंचाते हैं। अभी तो 300 लोगों को ये किट पहुंचा दी है, घर घर में जाकर, खेड़ों में जाके, देहातों में जाके एक किट, अनाज की किट पहुंचा दी है। और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक ये काम हमारा जारी रहेगा। इस काम में जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद।